Hello, my dear students. This is your biology teacher, and I welcome you all in this amazing online lecture series from Sanskaram Group of School. My dear students, as you all know, we have already covered our 4 chapters of human physiology. Today, we are going to begin our chapter number 5 of human physiology, that is movement and locomotion. हम एक्सक्रीशन कंप्लीट कर चुके हैं, आपने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए संदीप सर के साथ. आई होप जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर है. अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो कमिंग टू मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट? कैन एनीवन थिंक ऑफ व्हाट इज मूवमेंट? देखो बेटा, मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट. अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. मेरी बॉडी में फूड का जो मूवमेंट हो रहा है, सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट हो रहा है, वो भी मूवमेंट में ही आएगा. ठीक है, तो मतलब मूवमेंट में क्या है? चाहे आप एक प्लेस पे खड़े होके अपने जो है बॉडी पार्ट्स को मूव करें, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. चाहे आप अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हो, वो भी मूवमेंट है. इंट्रा सेलुलर मूवमेंट्स भी होते हैं, यानी कि विद इन द सेल साइटोप्लाज्म जो स्ट्रीमिंग करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो भी क्या है? एक टाइप का मूवमेंट. दूसरी चीज़ आती है, दूसरा टॉपिक क्या है? लोकोमोशन. अगर हम बात करें लोकोमोशन, दो टॉपिक हैं चैप्टर के नाम में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ का हिलना डुलना, दैट इज़ मूवमेंट. लोकोमोशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेज इट्स पोजिशन. यानी कि ये वो मूवमेंट होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म की पोजिशन चेंज होगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपना हाथ हिला रही हूँ, दिस इज नॉट अ लोकोमोशन, दिस इज ओनली मूवमेंट. बट इफ आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, दिस इज लोकोमोशन. सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं. ठीक है, और इस टाइप के स्टेटमेंट पे जो है क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मूवमेंट तो है ही, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. कि हर एक मूवमेंट ऐसा नहीं होता ना जिसमें पोजीशन चेंज होती है. सो अगर इस टाइप से स्टेटमेंट आती है तो यू मस्ट नो टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ये भी दे सकता है साथ में, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट. तो वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आपको पता है हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता. लोकोमोशन तभी होगा जब ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट एक प्लांट्स का एग्जांपल देना चाहूँगी. मूवमेंट तो प्लांट्स भी शो करते हैं, बट प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. प्लांट्स कभी अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करते ना, बट दे शो मूवमेंट्स. मूवमेंट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट, कि सनलाइट की तरफ जो प्लांट ग्रो करता है, दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट. ग्रेविटी की तरफ जो रूट्स ग्रो करती है, दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट. सो प्लांट्स शोज मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन. क्लियर? ये दोनों टर्म्स जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन. इतना करने के बाद वी मूव फॉरवर्ड. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें भी मैंने आपको क्या बताया था, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीमिंग करता रहता है, साइटोप्लाज्म जो है वो घूमता रहता है, ताकि फूड है, गैसेस है, उनका ट्रांसपोर्ट हो सके विद इन द सेल. सो उस टाइप के मूवमेंट को, उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम कहते हैं, उस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइक्लोसिस. टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन. साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल. इतना क्लियर है? अब चलते हैं आगे. आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, बिकॉज बेटा नोट्स जितने बनाओगे ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन गिविंग योर नीट एग्जाम. कि नीट के टाइम पे आप जो है बिल्कुल शॉर्ट हैंडेड नोट्स रखिए. अपनी एनसीईआरटी में जो मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. जो ये टर्म बताई, साइक्लोसिस बताई, ये स्टेटमेंट बताई, ये सब ना एनसीईआरटी में एक साथ लिख लीजिए, जहाँ पे भी स्पेस मिले. उससे क्या होगा, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ये कवर हो जाएंगे. अब चलते हैं आगे. अगर हम बात करें मूवमेंट्स की, तो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मूवमेंट्स को. कौन कौन सी हैं वो 3 कैटेगरीज, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. डन? देखो, सबसे पहला है अमीबॉइड मूवमेंट.
फिर आता है सीलियरी मूवमेंट, तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया बेटा इनको, कि किस टाइप का मूवमेंट ये शो करें, किस सब किस जो एक्सटेंशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है इनकी बॉडी में जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला जो है अमीबॉइड मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी में तीनों टाइप के मूवमेंट पाए जाते हैं बेटा। मैं एग्जांपल दूंगी आपको एक एक का कि कौन सा टाइप का एग्जांपल जो मूवमेंट है वो कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम अमीबॉइड मूवमेंट से। अमीबा आपको पता है कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है कि अमीबा को जहाँ पे भी फूड दिखाई देता है क्या है उसका साइटोप्लाज्म। ये देखिए एक बार प्लीज पे अटेंशन, ये है अमीबा, ठीक है। यहाँ है कोई फूड मॉलिक्यूल, तो क्या होगा ये अपने साइटोप्लाज्म को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, उसकी वजह से क्या होगा इसके साइटोप्लाज्म से कुछ ऐसी एक्सटेंशंस निकलेंगी जो इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनक्लोज करने की कोशिश करेंगी। तो इस केस में क्या है कि अमीबा इन सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को तो इनगल्फ कर ही रहा है, बट ये क्या है अपनी पोजीशन भी चेंज कर। तो जो ये अमीबॉइड मूवमेंट है ये कैसे होता है बेटा, इसमें साइटोप्लाज्म को पुश किया जाता है, जो सेल है इट पुशेस द साइटोप्लाज्म टू वन साइड, जिस साइड सेल को मूव करना है उस तरफ सेल अपने साइटोप्लाज्म को पुश कर देती है, और साइटोप्लाज्म जिस तरफ पुश होगा उस तरफ सेल का मूवमेंट होगा। तो जो ये इस टाइप का मूवमेंट है विच अकर्स बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन वन डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर प्लीज़ ध्यान देना कि ह्यूमन बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ WBCs। हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs, हर एक के अलग फंक्शन बताए थे, है ना। तो अगर हम बात करें दो टाइप की WBCs हैं जो ये मूवमेंट शो करती है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल मैंने क्या बताया था, मोस्ट अबंडेंट WBC, सबसे अबंडेंट है, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा, ये शो करती है अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि इनको क्या करना होता है जो भी पैथोजेंस वगैरह आते हैं उनको किल करना होता है। दूसरी थी मोनोसाइट, मोनोसाइट मैंने क्या बताया था, लार्ज साइज, सबसे लार्ज साइज इन्हीं का होगा WBCs में। ये क्या है, ये ब्लड वेसल में नहीं रहती ज़्यादा टाइम तक, दे मूव इनटू, दे माइग्रेट इनटू द टिश्यूज़ में चली जाती हैं, और टिश्यूज़ में जाके इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। इनका क्या काम क्या होता है बेटा, दे हेल्प इन किलिंग द पैथोजेंस को एनगल्फ करने में हेल्प करती हैं। तो ब्लड वेसल से टिश्यू में ये कैसे आती हैं, ये जो मूवमेंट है WBCs का फ्रॉम ब्लड वेसल टू द टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, डायापिडेसिस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज टेक अ नोट, डायापिडेसिस। प्लीज आई वुड सजेस्ट इस टर्म को जरूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डायापिडेसिस, आपको पता होना चाहिए क्या है, मूवमेंट ऑफ WBCs फ्रॉम ब्लड वेसल टू द टिश्यू। कैसे मूव करते हैं आपको पता है, कैपिलरीज में गैप्स होते हैं, मैंने एक्सक्रीशन में भी एक कैपिलरी वाले गैप की बात की थी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी, यहाँ पे भी कैपिलरी में गैप होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रे। द गैप इन कैपिलरीज आर नोन एज फेनेस्ट्रे। क्या होगा, जैसे ही WBC को माइग्रेट करना हो, ये देखिए पिंक कलर में दिखा रखिए WBC, इसको माइग्रेट करना है तो ये फेनेस्ट्रे के पास जो है अपने साइटोप्लाज्म को पुश करेगी, और धीरे धीरे इट गेट्स स्क्वीज्ड आउट थ्रू द फेनेस्ट्रे के थ्रू स्क्वीज होते होते ये जो है बाहर माइग्रेट कर जाती है इनटू द टिश्यू में माइग्रेट कर जाती है। तो ये जो इस टाइप का मूवमेंट है जो साइटोप्लाज्म को पुश करके हुआ है, कहाँ पे, किसने शो किया, WBCs ने, क्या बोला हमने इसको, डायापिडेसिस। तो ह्यूमन बॉडी में ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, इन केस ऑफ WBCs। प्लीज़ अगेन पे अटेंशन, एग्जांपल आपको तीनों टाइप के मूवमेंट्स के अच्छे से पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ, आपको भी हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, अमीबॉइड में कन्फ्यूज नहीं होना है। साइटोप्लाज्म की हेल्प से जो मूवमेंट होगा, साइटोप्लाज्म को पुश करके जो मूवमेंट होगा, दैट विल बी अमीबॉइड, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ WBCs शो कर रही हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपिडेसिस, जब WBCs ब्लड वेसल से टिश्यू में माइग्रेट करती हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं वो WBCs जो ये डायपिडेसिस शो करती हैं, जो ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, क्लियर। अब चलते हैं आगे, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीलियरी मूवमेंट। सेकेंड क्या है, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी, द वर्ड कम फ्रॉम सीलिया, आपने पढ़ा होगा वट इज़ सीलिया, 9th में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, 11th जो आपकी 10th क्लास थी उसमें भी पता होगा, बट आर सीलिया, सीलिया क्या है बेटा, दीज आर प्रोटीनेशियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
अभी जो है हम इसको इतना ही पढ़ेंगे कि क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे साइटोलॉजी जब हम करेंगे, ठीक है। अभी ये है सीलिया क्या है, प्रोटीनेशियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, कि कुछ सेल्स के सरफेस पे क्या होता है प्रोटीन से बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा सीलिया। तो सीलिया आर प्रोटीनेशियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिर इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस की मूवमेंट में ये कैसे हेल्प करते हैं, हाउ डज सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वो जब मैं बताऊँ उससे पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ह्यूमन बॉडी में दो जगह पे ये मूवमेंट देखने को मिलता है, सबसे पहला तो बिल्कुल कॉमन है ट्रैकिया, जो विंड पाइप होती है आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अभी भी जो है ये आप टॉपिक कर चुके हो। ट्रैकिया में क्या होती है, सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स, पता है ना। सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स क्या करती हैं, देखो दो टाइप की सेल्स हो, एक तो होंगी जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी। ट्रैकिया में कुछ सेल्स ऐसी हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही हैं। म्यूकस क्यों प्रोड्यूस करना है, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको ट्रैप किया जा सके उस म्यूकस के अंदर, फिर उस म्यूकस को बाहर थ्रो कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज सीलिया। इन सीलिया की हेल्प से उस म्यूकस को बाहर थ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये सीलिया क्या करते हैं, दे कैन बीट, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करते हैं बेटा, जैसे अगर ऊपर की डायरेक्शन में अगर ये है, यहाँ पे म्यूकस है ये पिंक कलर में, इसने ट्रैप कर लिया डस्ट पार्टिकल को, अब इसको बाहर थ्रो करना, तो सीलिया इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट शो करेंगे अपर डायरेक्शन में, और धीरे धीरे जो म्यूकस है जिसके अंदर कुछ ट्रैप्ड पार्टिकल्स है उसको बाहर थ्रो कर दिया जाएगा। सो सीलिया जो है दे बीट, बीट करने का मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करते हैं जिसकी वजह से दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हुआ सीलियरी मूवमेंट का इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या है बेटा, जो म्यूकस है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कोई पैथोजेंस ट्रैप्ड हैं उसको बाहर फेंकने का काम जो है वो कौन कर रहा है, दीज सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल जो आता है सीलियरी मूवमेंट का, दैट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओवरी क्या है आपको पता है, ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर फिम्ब्रे, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे की हेल्प से ओवरी से एग जो है वो यहाँ तक जाएगा इन द फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब में एग जो है वो कैसे मूवमेंट शो करता है, हाउ एग मूव्स इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में एग कैसे मूवमेंट शो करता है बच्चों, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया, कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल्स पे, जो फेलोपियन ट्यूब की सेल्स हैं उन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब सीलिया बीट करते हैं, उन बीटिंग ऑफ दोज सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवम या फिर एग। सो सीलिएटेड सेल्स इन फेलोपियन ट्यूब्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवम और एग। दो एग्जांपल है सीलियरी मूवमेंट के जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला ट्रैकिया, दोनों केसेस में होगा, मेल में भी एंड फीमेल में भी। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब्स, जो सिर्फ फीमेल के केस में आते हैं। अब जो ये सीलियरी मूवमेंट है, इसी की एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं हम फ्लैजिला। सीलिया मैंने क्या बताया, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, न्यूमरस इन नंबर, अगर हम एक सेल की बात करें उसमें बहुत सारे जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है बेटा, दीज आर लार्जर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, लार्जर होते हैं, इनका साइज क्या है सीलिया के कंपैरिजन में बड़ा होता है, एंड दे आर फ्यूअर इन नंबर, इनका नंबर जो है वो सीलिया से कम होगा, पर सेल ये एक या दो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो फ्लैजिलर मूवमेंट इज शोन बाय द स्पर्म सेल्स, कि ह्यूमन मेल्स में जो स्पर्म होता है दैट मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बीटिंग के हेल्प से स्पर्म शोज मूवमेंट, ठीक है। तो सिर्फ ह्यूमन मेल्स के केस में हमें फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है, ह्यूमन फीमेल्स में नो फ्लैजिलर मूवमेंट। प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं ह्यूमन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज फ्लैजिलर मूवमेंट, उसमें आपको स्पर्म भी दिया होगा, ठीक है, ओवम भी दिया होगा, और एक दो एग्जाम्पल, एक दो जो है आपको ऑप्शंस दे के लास्ट दे देंगे नन ऑफ द अबव, तो आपको ये चीज़ उस वक्त ये रहता है कि हाँ स्पर्म फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है, आप ये देखेंगे नहीं कि फीमेल दिया है मेल दिया है। तो ह्यूमन फीमेल्स में प्लीज़ पे अटेंशन, नो फ्लैजिलर मूवमेंट, कोई भी सेल नहीं होती है जो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करती है, क्लियर। ये दोनों टाइप के मूवमेंट आपको क्लियर हैं, अमीबॉइड एंड सीलियरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मस्कुलर मूवमेंट, जो मोस्ट कॉमन है, जो हम बहुत देखते हैं, ठीक है। मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ मस्कुलर मूवमेंट, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो मसल्स हैं, ये मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो यहाँ जो मसल्स हैं
ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से जो है मैं हाथ मूव कर पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मतलब मेरी टंग की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं अपना माउथ खोलती हूँ तो मतलब ये जो लोअर जो है इसकी मसल्स जो मूव कर रही हैं। आपको पता है जो स्कल होती है आपकी, ठीक है, स्कल में सिर्फ एक जो बोन है दैट इज़ मूवेबल, दैट इज़ मैंडिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अब जब बात आई तो मैंने यहीं पर बता दिया, मैंडिबल इज़ द ओनली मूवेबल बोन। जो ये लोअर जो वाली बोन होती है इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। तो इस पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपको याद रखनी होंगी। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स की, तो वो दो टाइप के हैं बेटा, ये जो मस्कुलर मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लीज़ पे अटेंशन, एक है वॉलंट्री मूवमेंट। वॉलंट्री मूवमेंट क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए जब आप टर्म्स देखते हैं। वॉलंट्री मतलब अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स होंगे वो क्या हैं, वॉलंट्री मूवमेंट। कि अगर मैं वॉकिंग कर रही हूँ, अपना हाथ हिला रही हूँ, पैर हिला रही हूँ, दैट इज जस्ट क्योंकि मैं चाह रही हूँ तो मैं कर रही हूँ ना, मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैं डांसिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो जब मैं चाहूँगी तो होगा ना, तो उस टाइप का जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलते हैं वॉलंट्री मूवमेंट। वॉलंट्री समझ में आया, जो हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है, जब हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। दूसरा बात आती है इनवॉलंट्री मूवमेंट्स की, इनवॉलंट्री मूवमेंट्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी बॉडी में देखिए, अगर हम बात करें फूड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट कहाँ, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक गया, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ यहाँ तक फूड का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते, इससे नीचे नहीं कर सकते। फूड ऑटोमेटिकली जाएगा स्टमक में, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप ये तो नहीं कह सकते कि आज मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को नहीं जाने दूंगा, आज मैं स्टमक में रखूंगा सारा फूड, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो जो इस टाइप के मूवमेंट है दे आर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, जो फूड का मूवमेंट है ये है इनवॉलंट्री मूवमेंट। दूसरा एग्जाम्पल दें हार्ट बीट, ठीक है, आपका हार्ट मैंने बताया था एवरेज 72 बीट्स पर मिनट जो है बीट कर रहा है, आप ये नहीं कर सकते ना आज मैं अपने हार्ट को 100 बीट पर मिनट बीट करवाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो क्या है इनवॉलंट्री मूवमेंट है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री। वॉलंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंट्री विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। अब बात करें अगर मसल्स की, ये जो टाइप ऑफ मसल्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में इलेबोरेट करके देखेंगे कौन सी टाइप ऑफ मसल, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि जो मस्कुलर मूवमेंट है मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स से होंगे। अगर मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ मतलब यहाँ की कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, है ना, अगर मैं चल रही हूँ तो मतलब मेरी लेग की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी टंग की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, ठीक है। हम रात को सोते तो भी हमारा हार्ट बीट कर रहा है, मतलब उस वक्त भी हमारी जो हार्ट की मसल्स है दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये जो मूवमेंट है सारे, जो ये मस्कुलर मूवमेंट है, मेनली जो आप मूवमेंट देखते हो ह्यूमन बॉडी में दे आर मस्कुलर मूवमेंट। जो ये फूड का भी मूवमेंट है बेटा, जो ईसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो मस्कुलर मूवमेंट। वो भी आपको पता है ईसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी हेल्प से फूड नीचे की तरफ जो है मूव करता है, ठीक है, जो आपकी गट है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसकी वजह से फूड मूव कर रहा है, तो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो मस्कुलर मूवमेंट। तो तीन टाइप की मेन मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तीनों के लोकेशन में डिफरेंस होता है, तीनों के फंक्शंस में भी डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो तीन मेन टाइप्स कौन से हैं, सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल क्या है, विच आर अटैच टू द स्केलेटल। स्केलेटल मतलब बोन्स या कार्टिलेज। स्केलेटल में सिर्फ बोन्स नहीं आएंगी, बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर इंक्लूडेड, यानी कि ये वो मसल्स हैं विच आर अटैच्ड ऑन बोन्स और कार्टिलेज, जो हाथ के मूवमेंट में पैर के मूवमेंट में हेल्प कर रही है। इनका दूसरा नाम है स्ट्राइटेड मसल्स, ऐसा क्यों कहते हैं ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरी है विसरल मसल। विसरल मतलब इंटरनल, विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन, जो आपकी स्टमक की मसल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल है, ईसोफेगस की मसल्स हैं, वो क्या है बेटा विसरल मसल। इनका दूसरा नाम स्मूथ मसल। और थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब हार्ट, तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, दे विल बी प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स। लोकेशन से समझ में आ गया, स्केलेटल जो स्केलेटन से अटैच होंगी बोन्स एंड कार्टिलेज से, विसरल जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आज हमने मेनली डिस्कस किया अबाउट मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है।
तो अभी जो है यही सब जो है हम एक वीडियो के हेल्प से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फर्स्ट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल मूव टुवर्ड्स द वीडियो। डन, ओके, देन सी, देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ पे दिखा रखा है एक ह्यूमन। अगर हम किसी तरफ बेंड कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने के, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सब है बेटा मूवमेंट। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो क्या है? लोकोमोशन। रनिंग में क्या हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है। वॉकिंग में लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। जंपिंग में भी क्या है? ये भी लोकोमोशन है कि चेंज इन पोजिशन। लेकिन ये सारी चीज़ें ही क्या है? मूवमेंट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सारे ऑर्गन, जैसे जो आप, मैंने प्लांट्स की अगर हमने बात की तो प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट्स, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, जो कैटल्स हैं उनकी बात करें, दे ऑल शो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। उनमें दोनों चीज़ें शो करते हैं, वो मूवमेंट भी एंड लोकोमोशन भी। ये मूवमेंट कैसे होते हैं वो जो है मेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इस आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ए पर्सन इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद सम कैटल्स। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या शो कर रहे हैं बेटा? दे आर शोइंग लोकोमोशन। अगर हम बात करें यूनिसेलर की, ये देखिए जो साइटोप्लाज्म, जो साइक्लोसिस के बारे में मैं बात कर रही थी, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? साइटोप्लाज्म जो है मूव कर रहा है विद इन द सेल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा है अमीबा में, ठीक है, यहाँ से ये तो ये जो इस टाइप का मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। अब अगर हम बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम मैंने एक और चीज़ के लिए बताया था कि इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, लार्जर वाला मैक्रो न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, स्मॉलर वाले को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, प्लस इसके सरफेस पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्या था? क्लेमाइडोमोनास था जो फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मेनली मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, जो अलग होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, दिस मूवमेंट ऑफ लोअर जो, इट इज़ ऑल्सो ए मस्कुलर मूवमेंट। ओनली मूवेबल जो, मैंने क्या बताया था, ओनली मूवेबल बोन, जो लोअर जो की बोन है, दैट इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल। जो जो का मूवमेंट है, जो हैंड्स का मूवमेंट है, जो लेग्स का मूवमेंट है, दैट इज दे आर ऑल मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट? दे आर मस्कुलर मूवमेंट्स। क्योंकि वो कैसे हो रहे हैं बेटा? दे आकर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, वो हो रहे हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। प्लांट्स के केस में ना तो मसल्स, आपको पता है, ना सीलिया है, ना फ्लैजिला है। वो क्या कर रहे हैं बेटा? सिर्फ किसी बाहर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, कुछ स्टिमुलस के, जब उन्हें कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं उस स्टिमुलस के लिए, तो वो मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म हो, ग्रेविट्रोपिज्म हो, ठीक है। अब जैसे मंकी दिखाया गया है, ठीक है, इट इज ऑल्सो शोइंग मूवमेंट लोकोमोशन। अब ये फिशेज दिखा रखे, दे आर ऑल्सो शोइंग लोकोमोशन। एक साइड में हाइड्रा दिखा रखा था जो टेंटेकल्स की हेल्प से क्या है, उसके टेंटेकल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, फूड को इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, ऑल दीज आर मूवमेंट्स, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट्स जरूर शो करते हैं, चाहे वो स्मॉल वाले हों जैसे हमने अमीबा में साइक्लोसिस के बारे में बात की, चाहे लार्जर ऑर्गेनिज्म हो। ये देखिए ग्रीन कलर स्ट्रक्चर हाइड्रा, हाइड्रा में जो ये है दीज आर नोन एज टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं टू कैप्चर द फूड। ये रेड कलर में दिस इज फूड पार्टिकल, जैसे ही फूड पार्टिकल पास आता है टेंटेकल्स क्लोज हो जाते हैं, दे हेल्प इन इनगल्फिंग द फूड। सो ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो शोइंग मूवमेंट। अब पैरामीशियम की बात करें, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या बोला, सीलिया। सीलिया मैंने बताया था दीज आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं एंड हेल्प इन क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या है, दिस इज द साइटोफेरिंग्स, यानी कि जहाँ से ये फूड को इनटेक करेगा, वो पोर्शन जहाँ से आपका पैरामीशियम फूड को इनटेक करता है उसको हम बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। उसमें पूरे में सीलिया लगे होते हैं विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, तो वहाँ पे सीलियरी मूवमेंट था। यहाँ पे टेंटेकल्स की हेल्प से मूवमेंट शो कर रहा है कि टेंटेकल्स फूड को कैप्चर करने में हेल्प करें इन केस ऑफ हाइड्रा। ह्यूमंस में मैंने तीनों टाइप के बताए हैं आपको, कौन कौन से, सीलियरी भी होते हैं प्लस अमीबॉइड मूवमेंट भी होता है, एंड थर्ड टाइप इज मस्कुलर मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट मैंने क्या बताया, दो जगह पे होता है सीलियरी मूवमेंट,
कहाँ कहाँ पे, एक तो ट्रेकिया में, दूसरा फिलोपियन ट्यूब में। फिर अगर हम बात कर रहे थे फ्लैजुलर मूवमेंट की, मैंने बताया था सिर्फ ह्यूमन मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं विच शो फ्लैजुलर मूवमेंट। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं अबाउट ह्यूमन बॉडी। यहाँ से ह्यूमन बॉडी इज शोन तीन टाइप का मूवमेंट, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म को थ्रो करके, साइटोप्लाज्म की हेल्प से मूवमेंट जो शो करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया WBC। सीलिया, जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी हेल्प से मूवमेंट। मस्कुलर, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से मूवमेंट होगा। अमीबॉइड मूवमेंट देखिए, WBC शोज अमीबॉइड मूवमेंट। और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज मैंने क्या बताया था, मोनोसाइट जब टिश्यू में चले जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं बेटा मैक्रोफेजेस। और जो WBCs व्हेन दे मूव आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उस प्रोसेस को हम बोलते थे डायपिडेसिस। तो ये जो दिस टाइप का मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से सूडोपोडिया बनते हैं और उसकी हेल्प से जो है मूवमेंट शो कर रहे हैं। यानी कि इसमें रोल किस चीज़ का है, साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म मूवमेंट शो कर रहा है, इसीलिए क्या है आपकी सेल जो है वो मूव कर रही है। देखिए ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, जो आपकी सेल है, कोई भी सेल है उसके अंदर होता है साइटोस्केलेटन। यानी कि साइटोस्केलेटन क्या कर रहा है, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो माइक्रोफिलामेंट्स हैं विच हेल्प इन मूवमेंट। देखिए सीलियरी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दिखाया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया, ठीक है। आपको पता है ट्रेकिया पे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करें, दीज आर सीलिया। ये क्या करेंगे, म्यूकस को बाहर थ्रो करने में हेल्प कर। देखिए आ गया सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम, ये सीलिया है। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल ट्रैप हो गया है उसको बाहर थ्रो करने में हेल्प करेंगे कौन, ये सीलिया, ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर है सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स, सो सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स विल थ्रो आउट द म्यूकस। अब अगर एक बात आए कि म्यूकस तो बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम पूरा दिन तो म्यूकस बाहर थ्रो नहीं करते, तो क्या होता है बेटा, मोस्टली जो म्यूकस है दैट पासिस इनटू जो आपकी फूड गट है उसके अंदर, और स्टमक में इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। जो पैथोजेंस भी हैं वो सब स्टमक में क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए सीलिया की हेल्प से जो है मूवमेंट शो किया गया था। सीलिया मूवमेंट का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवरी से एग निकला, एग इज मूविंग थ्रू द फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सीलिया। यहाँ पे देखिए म्यूकस का मूवमेंट, सीलिया अगर बीट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इसीलिए जो है म्यूकस बाहर थ्रो हो रहा था। तो ये जो मूवमेंट है विच अकर विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है उनकी बीटिंग की हेल्प से जो मूवमेंट हो रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं सीलियरी मूवमेंट। एग निकला ओवरी से मूविंग थ्रू द फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट की तो हम बात कर ही चुके हैं, विच अकर विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये वैसे भी हमें जो है नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करना है, ठीक है। जो टाइप ऑफ मसल जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें हम मस्कुलर मूवमेंट को पूरी डिटेल्स में देखेंगे। अभी आई होप कि आपको सीलियरी और अमीबॉइड मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया है। वीडियो को देखिए, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज़ डू रीड योर NCERT बुक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।